सो गाइज, मुझे पता है दिवाली पे आपने बहुत ज़्यादा मज़ा किया होगा। दिवाली का जो सीज़न है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बनता है जिस पे आके मैं बात करूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ऑफकोर्स यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं कई सारे चैनल्स पे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और चीज़ें ईजी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो गाइज़, एक सिंपल सा फंडा है, नाउ मोर और लेस एक महीना बचा है, 30 days फॉर कैट। सो अब से हर दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है उस दिन। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको एक ही बात बोलूंगा बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक गई होगी, कई सारे लोगों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया होगा बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, दिवाली था। और मज़े वाली बात यह है कि 2 साल के बाद हमने दिवाली बनाना शुरू की है, तो यार ढंग से तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें बहुत चिल्ड और रिलैक्स हो गई होंगी आप में। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आज आपको पहले दिन 30 मिनट्स वर्बल पढ़ना है, 30 मिनट्स क्वांट की प्रैक्टिस करनी है और 30 मिनट्स DILR की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 1.5 आवर यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई करना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, क्योंकि झटके से अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बहुत करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप पैनिक नहीं करोगे। अब आप ऑफकोर्स काफ़ी दिनों बाद आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये ज़रूरी सी बात है कि आपको बहुत अजीब लगेगा, कुछ चीज़ें सेंसिबल लगेंगी, कुछ चीज़ें सेंसिबल नहीं लगेंगी, तो टेंशन नहीं लोगे आप। ऑफकोर्स स्लोली विद इन अ वीक्स टाइम यू विल बी गेटिंग इन टू द ग्रूव एंड यू आर गोना गेट द स्टफ। तो आज 30 मिनट्स में पहले एक RC करो, एक पैरा जंबल सॉल्व करो। अगर आप कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक RC सॉल्व करोगे, आप पैरा जंबल सॉल्व करोगे, एक ऑड वन आउट करोगे, तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप के RC का एक पूरा पैसेज, ऑफ कोर्स एक पैरा जंबल और एक आपका आप ऑड वन आउट या समरी बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे। क्वांट में यू विल डिसाइड व्हाट ऑल टॉपिक्स यू आर गोना डू एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन of the topic you want to target, that is what you should be doing. In DILR, do one set of DI and one set of logical reasoning. अब हम सबको पता है कि 10 question puzzles पे आते हैं, 10 question आपके sets DI पे रहेंगे out of 20 questions, so you will be focusing on that. You won't be trying to solve the questions, you just go through them, get into the groove. MBA entrance examination is all about smart study, it is not about hard work. That's it guys. I will make videos every day and I'll keep on telling you what needs to be done. Thank you. Wish you a very happy Diwali and I hope you had a great one. Thank you guys.